नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। उज्जैन में माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश उज्जैन श्री आर के वाणी के निर्देशन में केंद्रीय जेल भैरवगढ़ उज्जैन में विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर आईएमए के सहयोग से विशेष स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ माँ सरस्वती एवं भगवान महाकालेश्वर के चित्र पर माल्यार्पण कर किया जाकर दीप प्रज्वलित कर किया गया। जेल अधीक्षक श्रीमती उषा राज एवं अन्य जेल के अधिकारियों एवं बंदी भाइयों के द्वारा चिकित्सक टीम के डॉक्टर्स का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में प्राधिकरण के सचिव जिला न्यायाधीश श्री अरविंद जैन के द्वारा बताया गया कि वर्तमान में केंद्रीय जेल उज्जैन में लगभग 200 महिला बंदी एवं लगभग 2500 पुरुष बंदी मौजूद हैं, जो एक छोटे से गांव की जनसंख्या के बराबर है। उन्होंने ये भी बताया कि मासिक निरीक्षण के दौरान जब अनेक बंदियों द्वारा अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बताई गईं, तब जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर कात्यायन मिश्रा से समन्वय स्थापित कर आज का शिविर आयोजित किया गया, जो निश्चित रूप से बंदीजनों के लिए लाभकारी साबित होगा। उन्होंने सभी से आग्रह किया है कि हमको परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई की उक्ति को सार्थक करते हुए अपना जीवन जीना चाहिए। उन्होंने विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर देश व दुनिया के सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं देते हुए इसी प्रकार से सेवा भाव का कार्य कर जन सामान्य को निरोगीमय काया प्रदान करने का अनुरोध किया। आईएमए के अध्यक्ष श्री कात्यायन मिश्रा ने अपने संबोधन में विधिक सेवा प्राधिकरण के इस कार्य की सराहना करते हुए बताया कि इस प्रकार के शिविर जेल में किया जाना एक अच्छी शुरुआत है और जब जब प्राधिकरण इस प्रकार के शिविरों का आयोजन करना चाहेगा, उनका संगठन हर तरह से सहयोग करने को तैयार है। अधीक्षक केंद्रीय जेल श्रीमती उषा राज के द्वारा भी इस शिविर को बंदीजनों के स्वास्थ्य के लिए काफी लाभकारी होना बताया गया और इस पहल को आगे जारी रखने का निवेदन किया गया। दीदी, आज बुधवार को आपका परीक्षण है, बंदियों के लिए जिला विधिक के लिए एक अच्छा यहाँ पर आयोजन किया गया है, क्या विशेष है इसमें? सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि मानव सेवा, कथनी करनी में जो फर्क होता है, लेकिन यहाँ जो हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माननीय सचिव महोदय, अध्यक्ष महोदय और डिस्ट्रिक्ट जज साहब, जो ये प्रयास किया है इन्होंने, ये बहुत अच्छी पहल है। और मैं तो कहती हूँ कि यदि सभी ऐसा कार्य करें तो निश्चित ही मानव सेवा का सार्थक मीनिंग सामने आएगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उज्जैन के संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिसमें 12 डॉक्टर्स की टीम आई है और हर अपने अपने डिसीज़ के स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर्स, वो आए हैं। माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय भी पधार चुके हैं संभवतः, और उसके साथ भी हमारे जो बीमार बंदी हैं, चाहे वो महिला बंदी हों चाहे पुरुष बंदी हों, सबकी व्यवस्थाएं, सबके रोग के हिसाब से अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जेल के द्वारा। तो एक अनूठी पहल है, बहुत अच्छी पहल है। अभी इसके बाद भी एक जो शासकीय तौर पर माननीय सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आदेश होने वाले हैं कि ये पुनः एक बार, जैसे आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है, इसी प्रकार से पुनः एक बार सभी मध्य प्रदेश की सेंट्रल जेलों में डेट तारीख निर्धारित कर दी गई है, उस निर्धारित तारीख में ही कैंप आयोजित पुनः होंगे। लेकिन इसके पहले जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के तत्वाधान में जो कार्यक्रम हो रहा है, ये बहुत सराहनीय है और बहुत अच्छी पहल है। इसके लिए मैं सभी का, अपने न्यायालय का, माननीय न्यायालय का, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का और अपने डॉक्टर्स का, टीम का हृदय से धन्यवाद देती हूँ जेल परिवार की तरफ से, और अपेक्षा करती हूँ कि इसी प्रकार के आयोजन होते रहें, जिससे हम लोग, हमारे बंदी बहुत सारी समस्याओं से निजात पा सके। थैंक यू वेरी मच। सर, विशाल स्वास्थ्य परीक्षण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है और एक अच्छी पहल है, इस प्रकार का लाभ बंदियों को दिया जाए। माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री राजेंद्र कुमार वाणी साहब के निर्देशन में आज विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सहयोग से एक केंद्रीय जेल में एक विशाल स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। जैसा कि मुझे जानकारी मिली है, यहाँ पर लगभग 3000 कैदी मौजूद हैं। निश्चित रूप से उनमें से बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होंगे जिनको विभिन्न प्रकार की परेशानियाँ होंगी स्वास्थ्य संबंधी। इस उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए आज ये शिविर यहाँ पर आयोजित किया गया है। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई, इस उक्ति को चरितार्थ करने के उद्देश्य से आज ये शिविर
यहाँ पर आयोजित किया गया है। मैडम जेल अधीक्षक मैडम उषा राज के द्वारा हमें बहुत अच्छा सहयोग दिया जा रहा है और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री कात्येंद्र मिश्रा और उनकी पूरी टीम यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रही है। उसके लिए मैं जेल परिवार और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और भविष्य में भी इसी तरह के शिविर आयोजित होते रहें ऐसी मैं कामना करता हूँ।